राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का जादूगर से सियासत का सफर आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं दिव्या राठौर, आप सभी का स्वागत है द एंगल पर। जोधपुर के एक सामान्य जादूगर लक्ष्मण सिंह के घर जन्मे अशोक गहलोत। उन दिनों अपने पिता के साथ घर घर घूमकर जादू का खेल दिखाया करते थे। पिता के साथ साथ उन्होंने भी जादू का खेल सीख लिया था। पढ़ाई में तो शुरुआत से ही दिलचस्पी थी, इसी के चलते गांधी जी की कई पुस्तकें पढ़ी। पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ उनके विचारों से प्रभावित हुए तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन सेवा वाली, सत्ता वाली नहीं। इन्हीं सेवाकर्मी भाव के चलते प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नज़र 20 साल के अशोक गहलोत पर पड़ी। उनका मेहनती रूप इंदिरा को खूब भाया और अब अशोक गहलोत गांधी आश्रम चले गए थे। घर वापस आए तो पूरी तरह से गांधीवादी हो चुके थे। सूरज डूबने से पहले खाना खाना, खद्दर पहनना, पूर्ण रूप से गांधीवाद को अपना चुके थे। 1972 में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करते ही घर वालों ने पीपाड़ में बीज और खाद की दुकान खोल दी, पर धंधा कुछ ठीक चला नहीं। इसी के चलते वे फिर वापस घर लौट आए। घर लौटे तो एमए की पढ़ाई करने का सोचा। यूनिवर्सिटी में महासचिव का चुनाव भी लड़ा पर हार गए, पर अभी भी हौसला नहीं हारा था। संजय गांधी के राज में युवाओं की पूछ थी और अशोक की निरंतर मेहनत करने से संजय गांधी से करीबी बढ़ी। इस बार चुनाव में अशोक गहलोत को सरदारपुरा सीट से टिकट मिल गई थी, पर पूंजी में तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बाइक थी जिसे भी 4000 में बेच दिया था। माधो सिंह के सामने चुनाव लड़ा और 4329 वोटों से हार गए, पर अभी हौसला नहीं हारा था। 1980 में लोकसभा चुनाव एक बार फिर हुए। इस बार संजय गांधी ने जोधपुर लोकसभा सीट से अशोक गहलोत को टिकट दी। पैसे तो इस बार भी नहीं थे, पर एक दोस्त जरूर था, रघुवीर सेन। रघुवीर सेन के पास एक बाइक थी जिस बाइक से अशोक गहलोत और उनके कुछ दोस्तों ने चुनाव प्रचार किया और जनता पार्टी के बलबीर सिंह कछावा को 52519 वोटों से हरा दिया। फिर क्या था, अशोक गहलोत ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और धीरे धीरे सियासत की दौड़ में आगे बढ़ते चले गए। अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री रहे, खेल उपमंत्री बने, केंद्रीय कपड़ा और राज्य मंत्री बने, राजस्थान में गृह मंत्री, जन स्वास्थ्य अभिमंत्री विभाग के मंत्री भी रहे। वे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, कई राज्यों के चुनाव प्रभारी, कांग्रेस की यूथ विंग NSUI अध्यक्ष, साथ साथ कई ऐसे बड़े पदों पर भी रहे। जननायक अशोक गहलोत राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में ही नहीं, देश भर में सबसे लोकप्रिय नेता है सीएम अशोक गहलोत।